फाइनली इस चैनल पे Realme 8 की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ आज मैं, और इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन कवर होगा। तो मैं हूँ शुभम रावत एंड वेलकम टू लॉजिकल टेक्स्टर। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो टेक्निकली ये Realme 7 का सक्सेसर है, और इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन में हम देखेंगे कि ये Realme 7 का एक्चुअल में सक्सेसर है या नहीं है। तो ये है येलो कलर में आने वाला Realme 8 का बॉक्स, और Realme के टिपिकली येलो कलर के ही बॉक्स आते हैं। इसके बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो हर तरफ से इसके बॉक्स को, और इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मेंशन है इससे रिलेटेड कि क्या क्या है इसमें। और बैक साइड में इसमें मेंशन है कि ये 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है इसमें, 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा है, सुपर स्लिम एंड लाइट, G95 प्रोसेसर, 30W चार्जर एंड 5000 mAh की बैटरी। और इसको हम अनबॉक्स करेंगे, और जैसे ही हम इसके लिड को निकालते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। तो देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मिलता है हमारा फ़ोन, जिसे कि हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको फ़ोन का केस मिलता है, और कुछ पेपर वर्क मिलते हैं यहाँ पे, Realme की क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह मिलती है, और सेफ्टी गाइड यहाँ पे मिलती है हमको, जिसे कि आप शायद ही पढ़ोगे कभी, और पढ़ने का शौक़ शायद ही किसी को और हमें भी नहीं है पढ़ने का शौक़, तो इसे फ़िलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। केस की क्वालिटी देखो तो केस भी काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी का है, Realme के मोस्टली फ़ोन्स के साथ ऐसे ही केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस प्रोडक्ट के साथ आपको मिलेगी वो है ये सिम इजेक्टर टूल है। आप चाहो तो इसे सेल्फ डिफेंस में किसी को चुभा सकते हो या फिर किसी को परेशान कर सकते हो इससे। और बॉक्स के नीचे वाले सेक्शन में हम देखें तो यहाँ पे हमको 30W का ये डार्ट चार्जर मिलता है। आप इसको देख सकते हो साइज़ में काफ़ी बड़ा है और बल्कि सा भी है, क्योंकि ये 30W का चार्जर है और काफ़ी फास्ट है ये। यहाँ पे 5V और 6A की रेटिंग है, यानी कि 30W का आपको आउटपुट मिलेगा इससे, जो कि काफ़ी फास्ट आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा। और इसके साथ USB केबल यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि USB टाइप A टू टाइप C केबल है। अब इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और अपने मेन फ़ोन की तरफ आते हैं। और फ़ोन को अगर हम देखें तो फर्स्ट लुक में काफ़ी सही लग रहा है ये फ़ोन, और 6.4 इंच की इसकी स्क्रीन है, और काफ़ी स्लीक सा है और ज़्यादा बल्कि भी नहीं है। पीछे की तरफ यहाँ पर डेयर टू लीप की ब्रांडिंग है, और ये काफ़ी लोगों को पसंद आ सकती है, काफ़ी लोगों को पसंद शायद ये नहीं आएगी। तो खैर पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन की हाईलाइट ही है ये पीछे में जो बैक स्ट्रिप दे रखी है डेयर टू लीप लिखने की। अब ये इसके साथ लॉन्च हुए इसके प्रो मॉडल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। प्रो मॉडल में जो डेयर टू लीप की ब्रांडिंग है वो बिल्कुल ही बोल्ड लेटर्स यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आपको किसी भी एंगल से शो होगा। लेकिन जो ये नॉन प्रो मॉडल है इसमें जो ये ब्रांडिंग दे रखी है स्ट्रिप में दे रखी है, और ये हर एंगल से शो नहीं होगा, किसी एंगल से आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, और किसी एंगल से बहुत ज़्यादा शाइनी फिनिश आएगी इसमें, और रेनबो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आ सकता है और काफ़ी लोगों को शायद ये बिल्कुल भी पसंद ना आए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट डिज़ाइन जो है वो काफ़ी एक पर्सनल सब्जेक्टिव चॉइस होती है। लेकिन जो भी है ये डे टू लीप की जो ब्रांडिंग है उसके साथ जो ये रेनबो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आई कैची तो डेफिनेटली है, और ये काफ़ी बोल्ड सा डिज़ाइन है रियलमी की तरफ से, और रियलमी हमेशा लुक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो काफ़ी सही बात है इसके लिए। अब अगर मैं इसके बैक पैनल की बात करूँ तो ये प्लास्टिक का बैक पैनल है, यानी कि ब्रांड्स के वर्ड में बोलूँ तो पॉलीकार्बोनेट का बैक है, लेकिन बेसिकली पॉलीकार्बोनेट होता प्लास्टिक ही है, तो प्लास्टिक का बैक है, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रैचेस आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं, और क्योंकि ये शाइनी फिनिश में है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट एंड स्मजेस भी आपको देखने को ईजिली मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसके साथ बैक कवर तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और बैक कवर यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक इसकी जो ये डेयर टू लीप की ब्रांडिंग है ये इतनी ज़्यादा शाइन नहीं करती है, तो अगर किसी को ये पसंद है और किसी को नहीं पसंद है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको इसके साथ बैक कवर यूज़ करना ही पड़ेगा। तो चलो अब इसके फिज़िकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। इसके फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6.4 इंच की फुल HD प्लस 60Hz का सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। तो 6.4 इंच का यहाँ पे जो ये साइज़ है काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, और काफ़ी इसको ईजी टू हैंडल बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे आपको Realme 7 से इसमें देखने को मिला है कि यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे ये 60Hz वाला डिस्प्ले है, जो कि Realme 7 की अगर हम बात करें तो उसमें LCD पैनल था लेकिन 90Hz का था, तो कुछ लोगों को ये डाउनग्रेड लग सकता है 90Hz से 60Hz पे आना, लेकिन ये LCD पैनल से सुपर एमोलेड पैनल में जाना बहुत बड़ा एडवांटेज है,
और कहीं ना कहीं सुपर एमोलेड पैनल चाहे 60 हर्ट्स का ही क्यों ना हो, वो 90 हर्ट्स के LCD पैनल से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है देखने में। हाई रिफ्रेश रेट के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन सुपर एमोलेड का LCD के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। और यहाँ पे आप अगर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो तो ये छोटा सा यहाँ पे पंच होल कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, और लिटरली ये काफ़ी छोटा है तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी स्क्रीन में इसको बीच में देखने में। और क्योंकि यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसी वजह से यहाँ पे स्क्रीन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से इसमें काम कर लेता है। हालांकि इसको अगर आप बिल्कुल ही फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स के साथ कंपेयर करोगे तो वहाँ पे से आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड में डिफरेंस देखने को ज़रूर मिल जाएगा इजीली, लेकिन डेफिनेटली मिड रेंज फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखना ही बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक मुझे पता है शायद ये अभी 15,000 की रेंज में आने वाला एक अकेला ही फ़ोन होगा जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर इन डिस्प्ले वाला देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इस फ़ोन के पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो बॉटम की साइड में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल के टाइम में। एक फ़ीचर की तरह इसको ब्रांड्स दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन्स ने इसको डिच कर दिया है, लेकिन अगर आप गेम खेलते हो तो गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज बन जाते हैं आपके 3.5 mm का ऑडियो जैक। इसके साथ ही आपको प्राइमरी माइक्रोफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, USB Type-C पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और स्पीकर ग्रिल है। राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, और अगर मैं इनको प्रेस करके देखूँ तो काफ़ी अच्छे से फील आती है, वॉल्यूम बटन्स के काफ़ी स्टडी से फील होते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे इसके टॉप साइड में दिखाऊँ तो यहाँ पे ARP से छोटा सा, टॉप की साइड में बात करूँ तो यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है, और लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूरा क्लीन है, यहाँ पे सिर्फ सिम ट्रे दे रखी है। सिम ट्रे अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पे पूरी एक बड़े साइज़ वाली सिम ट्रे दे रखी है, जिसमें कि आप अपने 2 SIM कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो इजीली, और वो भी तब जब यहाँ पे इसका बेस वेरिएंट ही 128 GB के स्टोरेज के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा फालतू के ऐप्स देखने को नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत एक दो एक्स्ट्रा ऐप्स हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, और ज़्यादा इसमें ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते हैं। और ये फ़ोन आता है Realme UI 2.0 के साथ, जो कि Android 11 पे बेस्ड है, और ये Android 11 पे आउट ऑफ द बॉक्स आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए। अब अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो इसमें बेसिकली आपको 64 मेगापिक्सल का मेन शूटर मिल जाता है, जो कि एक ओमनीविजन सेंसर है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल के दो यूज़लेस से कैमरे मिल जाते हैं जिनका कोई काम होता नहीं है इतना, और नीचे की तरफ इसमें फ्लैश लाइट दे रखी। तो इसके कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखा दूंगा इनिशियल लुक में, जिस तरीके से इसमें फ़ोटोज़ आएंगी मैं आपको दिखा दूंगा कुछ सैंपल्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका कैमरे का डिटेल रिव्यू बाद में आएगा। तो अब अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसमें MediaTek का Helio G95 है, जो कि Realme 7 में भी सेम प्रोसेसर देखने को मिला था। तो सक्सेसर में हम मोस्टली एक प्रोसेसर को ही देखते हैं, प्रोसेसर के अपग्रेड को देखते हैं, और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें तो ये Realme 7 का सक्सेसर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोसेसर इसमें सेम है। लेकिन स्टिल प्रोसेसर सेम होने के बाद भी इतना बुरा इसको नहीं कह सकते, क्योंकि G95 अपने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। तो Helio G95 जो है वो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन ये पावर एफिशिएंट इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है, इसीलिए पावर एफिशिएंसी इसकी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये गेमिंग को ज़्यादा फोकस में रख के बनाया गया था, और MediaTek के प्रोसेसर आजकल जितने भी आते हैं वो गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। और क्योंकि ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, शायद इसीलिए Realme ने इसमें 5000 mAh की बैटरी दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। 5000 mAh की बैटरी प्लस इसमें 30W की जो फास्ट चार्जिंग दे रखी है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। 4GB, 6GB और 8GB के यहाँ पे मॉडल आपको देखने को मिलते हैं, और तीनों में स्टोरेज जो है वो 128GB की ही आपको देखने को मिलती है। तो रैम यहाँ पे DDR4X वाली है, और UFS 2.1 की स्टोरेज है, जो कि दोनों ही काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है। इसके अलावा अगर इस फ़ोन में सेंसर्स की बात करूँ तो इसमें बेसिकली सारे सेंसर्स आपको, जो भी इम्पोर्टेंट सेंसर है, सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एक मेन और हाईलाइट की इस फ़ोन की, जो कि इसका वेट और इसकी थिकनेस। अब आज के टाइम पे आपको फ़ोन कुछ बहुत ज़्यादा हैवी देखने को मिल जाते हैं,
लेकिन ये फ़ोन सिर्फ 177 ग्राम का है, वो भी तब जब इसमें 5000 mAh की बैटरी दे रखी है इन्होंने। और 5000 mAh की बैटरी होने के बाद भी ये फ़ोन 177 ग्राम का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है इसके लिए। और इसकी थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो ये 8 mm की थिकनेस है इसकी, तो काफ़ी स्लिम और काफ़ी लाइट वेट है ये फ़ोन 5000 mAh की बैटरी होने के बाद भी। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली ये लगी कि ये फ़ोन वन हैंड यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप एक हाथ में फ़ोन रख के यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हो तो ये फ़ोन डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है उस चीज़ के लिए। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा इसमें यही है कि रियलमी 7 से अगर आप इसको कंपेयर करो तो प्रोसेसर इसमें बिल्कुल ही सेम देखने को मिलता है, वहाँ पर कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैमरे में थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट मैं इसका मानूंगा वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले LCD के ऊपर। अब हालांकि ये 60Hz का है, लेकिन स्टिल सुपर एमोलेड काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है इसका। अब इसमें अगर कोई ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉबैक इसमें ऐसे तो आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता है, मैं ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं बता सकता, लेकिन स्टिल इसमें एक ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा, जो कि है इसका 5G इनेबल्ड ना होना। क्योंकि इसमें प्रोसेसर में चेंज बिल्कुल भी नहीं किया गया है, तो इसमें G95 ही आपको देखने को मिलता है, जो कि एक 4G प्रोसेसर है, तो 5G नहीं है ये फ़ोन। अगर आपको 5G फ़ोन ही चाहिए तो आप तो इसको सीधे सीधे इग्नोर ही कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक वेल बैलेंस्ड फ़ोन चाहिए तो मैं अभी भी इसको रिकमेंड करूँगा आपके लिए। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको स्पेकशीट दिखा के इसका 70-80% आइडिया दे सकता हूँ कि ये फ़ोन कैसा होने वाला है, और इससे काफ़ी ईजिली आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन स्टिल अगर फ़ोन मेरे पास है तो मैं इसको चाहूँगा कि इसको पूरी तरीके से यूज़ करूँ, और डिटेल्ड इन डेप्थ रिव्यू आपको इसका देने की कोशिश करूँगा कुछ टाइम यूज़ करने के बाद। और डिटेल रिव्यू में इसके कैमरे परफॉर्मेंस या फिर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाएगी, और इन डेप्थ यहाँ पे रिव्यूज़ का दूंगा मैं आपको। तो इतने ही थे इस वीडियो के लिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।